सांस लेता हूँ तेरी खुशबू। हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, मैं मनीष और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। सुबह जैसा कि अभी आपने स्टार्टिंग में देखा, तो फ्रेंड्स इस तरह के स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, इसमें मैं एक्स्ट्रा मटेरियल जो भी यूज़ कर रहा हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देन उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप ओपन कीजिएगा काइनमास्टर एप्लीकेशन को। और फ्रेंड्स, काइनमास्टर का अगर न्यू वर्जन आपके पास नहीं है तो मैंने अपने टेलीग्राम पे और वेबसाइट दोनों जगह पे अपलोड कर दिया है, देन उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ क्रिएट प्रोजेक्ट का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्रिएट का नीचे में ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो नीचे ऊपर में न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर टैप कर लीजिएगा। 916 का एसयू सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर एडवांस का ऑप्शन आता है, इस पर टैप कीजिएगा। फील स्क्रीन सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे टाइमर जो है उसका 4.5 कर लीजिएगा, देन यहाँ क्रिएट पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगर वहाँ पे आप वो सेटिंग नहीं करते तो सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा, एडिटिंग में जाइएगा, यहाँ पे फिल स्क्रीन कर लीजिएगा, यहाँ पे टाइमिंग 4.5 ऊपर में जो देख सकते हैं इस पर क्लिक कर लीजिएगा, हो जाएगा। फिर स्टार्टिंग में आ जाना है, मतलब यहाँ पे, और आपको अपनी इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे कुछ इमेज ले लेता हूँ। और फ्रेंड्स, इमेज लीजिएगा इस टाइप का कि बैकग्राउंड में कुछ हो, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो इस तरह का बैकग्राउंड वाला इमेज ले लीजिएगा, अच्छा लगेगा देखने में इस तरह से बैकग्राउंड में कुछ रहेगा तो। और ब्लैक रहेगा या वाइट रहेगा बैकग्राउंड में तो थोड़ा सही नहीं लगेगा, तो इस तरह से ले लीजिएगा। लेने के बाद इसे अगर आपको एडजस्ट करना है तो इसे सेलेक्ट कीजिएगा, पिन एंड जूम का जो ऑप्शन है इस पर टैप कीजिए, इसे इक्वल कीजिएगा। करने के बाद इसे इस तरह से जूम वगैरह करके आप जिसे भी जैसे एडजस्ट करना चाहते कर लीजिएगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा देख लेता हूँ इसे, तो इसे भी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, बस इक्वल कर लीजिएगा ताकि यहाँ पे इस तरह से अच्छे से आपको दिखाई दे। फिर राइट क्लिक कीजिएगा, फिर नेक्स्ट वाले को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, और फिर यहाँ पे इस वाले ऑप्शन टैप करके फिर से फिंगर की मदद से, बस फिंगर की मदद लेनी है आपको, इक्वल करते जाइएगा यहाँ से और सेलेक्ट करते जाइएगा, इस तरह से जूम करते जाइएगा। तो ये तो जूम पहले से ही है, तो इसे रहने देते हैं, इसे भी रहने देते हैं। और फ्रेंड्स, इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अब सही हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको राइट क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा कलर इफेक्ट देना है, तो इसे सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे आपको फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर टैप कीजिएगा, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो वीविड का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे V05 का ऑप्शन आता है, इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा कलरिंग अलग से आ जाएगा। यहाँ पे अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर दीजिए तो सभी इमेज पर अप्लाई हो चुका है, देन यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद इमेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इमेज को सिलेक्ट नहीं करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो प्लस का आइकन देख सकते हैं दोनों के बीच में, इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, ये वाली ऑप्शन पे टैप कीजिएगा। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है पेपर, तो यहाँ पे सर्च में FPAPE, तो ऊपर देख सकते हैं पेपर यहाँ पे आ गया, तो पेपर टीयर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर टैप कीजिएगा, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। 36 MB का ये है, तो आप डाउनलोड इसे कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से बैक आइएगा, यहाँ पे पेपर टीयर को सिलेक्ट कीजिएगा, देन फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर सेकेंड वाले को सिलेक्ट कीजिएगा, फिर से पेपर टीयर पर क्लिक कीजिए, सेकेंड वाला सिलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे ही एक एक करके आप जितने भी इमेज लिए होंगे सभी पे एक एक इफेक्ट आपको देते जाना है, और सभी पे एक एक इफेक्ट आपको लगा लेना है। तो चार ही बार में तो पेपर, मतलब यहाँ पर चार इफेक्ट है, चार खत्म हो गया। तो आपको क्या करना है, फिर से नेक्स्ट वाले को सिलेक्ट करना है, फिर से पेपर टेयर को सिलेक्ट करना है, और फिर वन से स्टार्ट करना है। तो इसी तरह से लास्ट तक लगा लीजिएगा। अब ये फर्स्ट वाला जो इमेज है ना, इसे थोड़ा सा छोटा कर दीजिए इस तरह से, ठीक है, हल्का सा छोटा कीजिएगा, ज़्यादा मत कीजिएगा। और इसी में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसे सेलेक्ट करने के बाद क्लिप ग्राफिक्स पर क्लिक करना है। यहाँ पे भी आपको ये वाली ऑप्शन पर टैप कर लेना है। टैप करने के बाद यहाँ पे सर्च में जाना है। सर्च में जाने के बाद आपको यहाँ पे इन एनिमेशन सर्च करना है, तो फर्स्ट एक ही बार में मिल जाता है, इसीलिए मैं एक ही बार में बता रहा हूँ कि सर्च करके आपको टाइम ज़्यादा ना लगे। इसे सेलेक्ट कीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से बैक आइएगा, यहाँ पे इन एनिमेशन को सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे आपको 44 सेलेक्ट कर लेना है, मतलब 44 सबको सिलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पे हम 44 देंगे, ठीक है। तो ये वाला इफेक्ट देख सकते हैं, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारा जो फोटो है ये इस तरह से आएगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सही लग रहा है। अब आपको इसके बाद वाले को सिलेक्ट करना है, इसमें भी आपको क्लिप ग्राफिक्स में जाना है, यहाँ पे इन एनिमेशन में जाना है, यहाँ पे 33 सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो भी है, जितना भी है, सभी पे 33 ही हम सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इतना में ऑटोमेटिक जो यहाँ पे इफेक्ट बच गया उसमें इफेक्ट लग जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले को सिलेक्ट कीजिएगा, फिर से आपको क्लिप ग्राफिक्स में जाना है, फिर से इन एनिमेशन में जाना है, यहाँ पर आपको 33 सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले को सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे भी आपको क्लिप ग्राफिक्स में जाना है, इन एनिमेशन में जाना है, यहाँ पे आपको 33 सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर से नेक्स्ट वाले को सिलेक्ट कीजिएगा, क्लिप ग्राफिक्स में जाइएगा, फिर से इन एनिमेशन पे क्लिक करके यहाँ पे 33 सिलेक्ट कर लेना है,
मतलब सिर्फ 33 ही सिलेक्ट करना है, सभी इमेज पे आपको सब पे लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिप ग्राफिक्स में जाते हैं, लास्ट वाला बच गया तो इन एनिमेशन में, और यहाँ पे 33 बस फाइनल, ये लास्ट हो गया। तो मेरा में मैंने इतना ही 18 सेकंड का यूज़ किया था, आप और भी यूज़ करना चाहे कर सकते हो। तो अभी इसे प्ले कीजिएगा तो कुछ इस तरह से आएगा, जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे कट गया, फिर नेक्स्ट वाला आया, फिर यहाँ से कट गया, फिर नेक्स्ट वाला आया, फिर यहाँ से कट गया, इस तरह से अच्छा लगता है देखने में फ्रेंड्स। इस पर सारे इफेक्ट देने के बाद और भी मस्त लगता है। तो यहाँ पर हमारे ये तो इसमें एडिटिंग का जो फाइनल हो चुका है। अब स्टार्टिंग में जाइए, लेयर्स पर क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड में जाइएगा, कलर इफेक्ट वाला वीडियो जो मैंने दिया इसे ले लीजिएगा। लेने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन है, इस पर टैप करके फुल स्क्रीन कीजिएगा। देन यहाँ से बैक आइएगा, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर टैप करिएगा और इसे स्क्रीन कर लीजिएगा। फिर यहाँ से बैक आइए, बैक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एडजस्टमेंट में जाना है। एडजस्टमेंट में जाने के बाद यहाँ पर सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा इस तरह से, तो इसे मैं 60 रख लेता हूँ, तो आप भी रख लीजिएगा इसी तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का इफेक्ट मिलेगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर यहाँ से बैक आइए, बैक आने के बाद आपको लेयर पे टैप करना है, मीडियम जाना है, मीडियम जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से डाउनलोड में जाना है। हार्ट इफेक्ट वाला जो वीडियो मैंने दिया है उसे ले लीजिएगा, लेने के बाद इसे भी आपको स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करना है और फुल स्क्रीन कर लेना है। देन यहाँ से बैक आने, बैक आने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा, ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर टैप करके इसे स्क्रीन कर लीजिएगा। करने के बाद यहाँ से बैक आइए, बैक आने के बाद फ्रेंड्स एक बॉर्डर का पीएनजी आपको ले लेना है, वैसे तो बॉर्डर का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इसे प्ले करके देख सकते हैं। तो बॉर्डर तो यहाँ पे लग रहा है लगा हुआ ही है, बट फिर भी आप ले लीजिएगा एक बॉर्डर, तो लेयर पे टाइप कीजिए, मीडियम जाइएगा, मीडियम जाने के बाद डाउनलोड में जाना है, सिंपली ये वाले पे क्लिक करके पिक्चर सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहीं पर तो बॉर्डर कहीं पर मिल जाएगा। तो देख लेते हैं बॉर्डर कहाँ है, तो शायद ये वाला नहीं, ये नहीं है, तो और नीचे चलते हैं, ये वाला भी नहीं है, ये शैडो है, मैं थोड़ा ढूंढ लेता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं इसी बॉर्डर को तब तक के लिए लगा लेता हूँ, मैं आपको पीएनजी वाला बॉर्डर दे दिया हूँ, आप उसे लगा लीजिए। देन यहाँ से बैक करेंगे, बैक करने और नीचे स्क्रॉल करके ब्लेंडिंग पेज में जाना होगा, क्योंकि इसका जो पार्ट है ब्लैक है, तो ब्लेंडिंग पर जाकर इसे स्क्रीन कर देते हैं। बॉर्डर यहाँ पर लग चुका है, देन यहाँ से बैक आ जाएंगे, बैक आने के बाद इस बॉर्डर के लेंथ को सिलेक्ट करके लास्ट तक कर लीजिए, जितने टाइम का आपका स्टेटस है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें छोटा है, यहाँ पे जैसे हार्ट देख सकते हैं 20 सेकंड का ही, अगर आप उससे ज़्यादा बनाते हैं तो इसे डुप्लीकेट करके आगे तक करना होगा। तो देख लीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ भी कम ना पड़े, जितना टाइम का आप स्टेटस बना रहे परफेक्ट सारी चीज़ें वहाँ तक होनी चाहिए, जो भी चीज़ नहीं होती है तो उसे डुप्लीकेट करके आप आगे की तरफ कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब कंप्लीट हो चुका है हमारा एडिटिंग, अब इसे एक सॉन्ग की ज़रूरत है, तो सॉन्ग आप जो भी देना चाहते हो सॉन्ग को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो ऑडियो पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको फोल्डर में चले जाना है, फोल्डर में जाने के बाद आपको सिंपली डाउनलोड में जाना होगा, तो डाउनलोड में चले जाइएगा, जो भी सॉन्ग पर एडिटिंग करना चाहते हो सॉन्ग को सिंपली सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए मैं इसी सॉन्ग को यहाँ पे लगा देता हूँ, ये तो दो बार लग गया, तो एक को डिलीट करते हैं। करने के बाद आपको सिंपली इसे एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट के लिए ऊपर एरो देख सकते हैं, इस पर टैप कर लीजिए, टैप करने के बाद जिस भी क्वालिटी में वीडियो को सेव करना चाहते हैं सेव एज वीडियो पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, सोगे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, इसी तरह की और भी एडिटिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हर रोज़ मैं इस तरह के आपके लिए एडिटिंग लेकर आता हूँ। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आती होगी और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।